दैना हो या मोरी का नारणा है। और इससे हम वैल्यू भी बनाने वाले हैं। सबसे अमीर आदमी हम में से रोहित जी, जिन्होंने की पूरी दुकान लगभग पूरी खरीद ली है। माचिस से नहीं जलाते हैं बल्कि जलाते हैं हम किससे, मुछवे से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों आज है छोटी दीपावली, तो सबसे पहले आपको मेरे तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और छोटी दीपावली को हमारे गढ़वाल में बोलते हैं छोटी बगाव। तो छोटी बगाव के दिन बहुत ही सारे हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, तो दिखाते हैं आपको घर में क्या क्या बन रहा है और कौन क्या क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला था हमारे घर में क्या क्या बन रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बन रखी है, पकौड़े बन रखे अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या क्या बना है वो मैं खाते समय आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले माँ हैप्पी बगवाओ की हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली की हैप्पी बगवाओ बोली, हैप्पी बगवाओ गढ़वाली है तो हैप्पी बगवाओ। और हमारे लिए तो ये देख सकते हैं आप पूरी और पकोड़े बन रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे बैलों के लिए यहाँ पर रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं माँ? पेंडो। पेंडो ये एक प्रकार का हलवा होता है जो हमारे बैल खाते हैं। तो चलो यहाँ पर तो ये बन रखा है, आपको लेके चलते हैं कहीं और। तो हमारे घर में तो बन चुकी है पूरी और पकोड़ी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा जी, हेलो हेलो, ये हमारी भांजी हैं। और ये यहाँ पर क्या बना रही है? पूरी। पूरी बना रही है। पूरी के साथ क्या बनाएगी? और पकोड़ी। पकोड़ी बनाएगी। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली बोलेगी या हैप्पी बगवाओ बोलेगी? हैप्पी दिवाली। हैप्पी बगवाओ बोल, हैप्पी बगवाओ। हाँ बगवाओ। तो इसके सहायक है हमारी दीदी जी, जो कि लगभग 3 साल बाद पहले तो हमारे गांव में आ रहे हैं। तो कल शाम को अंधेरा था इसीलिए क्लियर नहीं आज नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं अभी भी फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर है, तो बाद में आपको दिखाएंगे सही से। तो हमारी जो पूरी पकौड़ी थे वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हमारे पहाड़ी जो रीति रिवाज है उनके तहत क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पितृ देवता हैं, हमारे जो देवता हैं, तो उनको हम सबसे पहले चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम होगा वो होता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं और अपने पितृ देवताओं को जो हमने पकवान बनाए हैं उनका चढ़ावा चढ़ाते हैं। देना हो या कोई का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारणा है। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे पहली बार दिवाली मनाई जा रही है, जो कि उत्तराखंड में एक दिन पहले एक दिवाली मनाई जाती है, इसको कहते हैं छोटी बगवा, छोटी की बड़ी दिवाली कहते हैं इसे। और जो है सब पूरे देश में जो है कल दिवाली मनाई जाएगी, असली जी, लक्ष्मी जी, पूजा जो होती है जी, जी। और उसमें आपको हम आगे बताते रहेंगे, सभी क्या क्या बताते रहेंगे। तो गाइज अभी देव पूजा तो हो गई है, अब बारी है पेट पूजा करने की, क्योंकि सुबह से भूख लग गई है। और आज हमारे नाश्ते में और खाने में क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आज है पूरी, पूरी के ऊपर में है घी और उसके साथ है दाल और आलू के पकोड़े, और हमारी चाय तो हमेशा रहती है। तो चलो जल्दी से फटाक से इसको खाते हैं और आगे का प्रोग्राम आज क्या रहने वाला है वो आपको व्लॉग में आगे पता चलता रहेगा। तो व्लॉग के साथ बने रहे और इन्जॉय कीजिए। तो अभी हमारी पेट पूजा तो हो गई है, अब बारी है हमारे हीरा मोती की, हमारी लाली की और हमारी छम्मक छल्लो की पेट पूजा करने की। मैंने आपको घर में बताया था जिस प्रकार हमारे जो पकवान होते हैं पूरी होती है पकौड़ी होती है, उसी प्रकार जो पीना होता है वो हमारे मवेशियों का एक पकवान होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, हलवा होता है। तो अभी देखते हैं, अभी मम्मी इनकी पूजा करेगी और उसके बाद हम इनको खिलाते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारी जो छम्मक छल्लो है, हमारी लाली है, हमारी हीरा मोती है, उनको भी हमने खिला दिया है और उनकी पूजा भी कर दी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा आपने देखा वो खिलाया होगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं उनके पास पूरे बर्तन ही रख दिए हैं और उनको खोल भी दिया है गले से, ये देखिए, पर वो अभी भी वहीं पर खड़े हैं, उनको पता ही नहीं हमको खोल रखा है। और यहाँ देखिए लाली भी मस्त मार के खा रही है और ऐसा टेस्ट आ रहा होगा उनके लिए।
तो बोलते ना जैसे हमारे लिए कोई रस मलाई होती है उसी प्रकार इनके लिए क्या होता है, ये होता है पीना जो कि बनता है झंगोरे से। तो ये अभी खा रहे हैं और अभी मैं चलता हूँ कहीं और दिखाते हैं आपको कुछ और चीजें। तो गाइस जब मैं गौशाला में था तो मैंने आपको बोला था कुछ नया दिखाते हैं, कहीं चलते हैं। तो अभी हम जंगल की ओर जा रहे हैं और जंगल में हम क्यों जा रहे हैं उसकी मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो हम करने वाले हैं तैयारी किस चीज़ की, रात की तैयारी, क्योंकि दीपावली पे रात को उजाला होना बनता है और धमाका भी होना बनता है। तो आज तो छोटी दीपावली है, आज का तो कुछ पता मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कल है बड़ी दीपावली लक्ष्मी पूजा। तो कल हम बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं रात को और जो झुमेलो होता है वो चीजें करने वाले हैं, वो चीजें तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो अभी जंगल की ओर चलते हैं और ये हैं मेरे दोनों शेर नितिन जी और प्रियांशु जी, और कैमरे के पीछे हैं हिमांशु जी और रोहित जी, जिनको मैं आपको कुछ देर बाद बता दूंगा। तो अभी जंगल की ओर चलते हैं क्योंकि अभी भालू भी हैं जंगलों में, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के आते हैं। तो चलो जंगल की ओर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एक बार फिर से जंगल के बीचों बीच, जंगल में मंगल कर रहे हैं, और आज मंगल किसका होगा, भालू का या हमारा, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन बहुत ही खतरनाक वाली चढ़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस चढ़ाई पे अभी हम चढ़ रहे हैं और देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक हमें आज लेके जा पाता है। और ये देखिए, इनको हमने आपको नहीं दिखाया था, ये हैं रोहित जी और ये हैं हिमांशु जी। तो ये अभी तक हमारा फ़ोन पकड़ के हमारी वीडियो बना रहे थे, तो इनका भी धन्यवाद। और दम निकल गया भाई ऐसी चढ़ाई चढ़ने पे, और एकदम से भालू सामने आ जाए, तेंदुआ सामने आ जाए तो क्या होगा, खा जाएगा। सामना करेंगे हम उसका। हम जंगल में इतना ज़्यादा घूमते हैं कि कभी भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अभी आदत भी हो गई है और थोड़ा अंदर से ये भी है कि अगर कोई आ भी जाता है देख लेंगे, क्या करेगा जानवर ही तो है। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि ना ही आए कोई, क्योंकि कभी कभी आने पे हालत ख़राब भी हो जाती है। बाई चांस मैं भाग गया और ये यहीं रह गए तो गाली कौन खाएगा, मैं तो ये दिक्कत है बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऐसे जंगलों में घूमने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं, और आपको भी हम वो मज़े देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से जो कि हमें ऐसा हम देते रहते हैं। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा देरी मत कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं सीधे पहाड़ से। तो अभी थकान इतनी ज़्यादा है कि चलते चलते बोलने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं पे आराम करते हैं। और जिस चीज़ के लिए हमारी पीठ में आप देख सकते हैं ये है सोल्टा, जो कि रिंगाल से बनता है जैसे कि कंडा बनता है, तो कभी बताएंगे हम कैसे ये बनते हैं। तो अभी तो थकान लग गई, अभी थोड़ा आराम करते हैं और देखते हैं इन कंडों में आज हम क्या लेके जाने वाला हैं, कंडा तो नहीं है सोल्टे में क्या लेके जाते हैं। आराम करो भाई ज़रा। तो अभी हम जहाँ पर आराम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, अभी हम चोटी पे खड़े हैं, और अगर मैं यहाँ से पीछे आपको दिखाऊं तो ये है खालियों गांव, जहाँ पर कि मैं कुछ दिन पहले मेहंदी में गया था और वहाँ पर हमने बहुत ही ज़बरदस्त डांस भी किया था, वो भी गढ़वाली गानों पे हमने ठुमके लगाए थे। और यहाँ से मैं थोड़ा आपको इस ओर लेके चलूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आपको छोटा सा कस्बा यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये है भुतेर और उसके पीछे ये वाला गाँव है यहाँ पर मणिगो ग्राम सभा, जहाँ पर परसों मैं मीटिंग में गया था। और थोड़ा मैं आपको इधर और राइट की ओर लेके चलूँ तो यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ तो सामने के जो गांव है, पहले मैंने बता चुका हूँ यहाँ पर है जगोट, उसके पीछे है धार, और सामने उखीमठ साइड का नज़ारा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, गुप्तकाशी का नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। और थोड़ा राइट में मैं आपको और ले चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाँव है मालकी, और लास्ट में आता है हमारा गांव यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हम अपने गांव से कितने ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, तो यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत अभी आ रहा है सुबह सुबह का। तो यहाँ से एक मैं सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक सुंदर सा क्या सुंदर सा खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है तो वीडियो बनाने में थोड़ा आँखें झपझप कर रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें वीडियो बनानी पड़ती है आपके लिए। तो गाइज़ मैंने अभी आपको दिखाई यहाँ पहाड़ी से जो सामने के पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, सामने खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे थे, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे भी लगे होंगे। और अभी समय आ चुका है जिस काम के लिए हम यहाँ पर आ रखे हैं अपनी सोल्टी जी के साथ, तो सोल्टी जी इंतज़ार कर रहे हैं। और सोल्टी जी हम यहाँ पर क्यों लेके आए हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इसके लिए आ रखे हैं, आपको ये नज़र आ रहे होंगे ये है
चीड़ का पेड़ और जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद नीचे गिर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पिल्टू। पिल्टू बोलते हैं हम गढ़वाली में, और हिंदी की बात करूं मैं तो पिरूल बोलते हैं, जिसपे की आग अच्छी खासी आग जल जाती है, तो इसीलिए हम इसको लेके जाने वाले हैं अपने सुलटियों में। यहाँ पर देखिए हमारे सभी भाई बंधु लगे हैं यहाँ पर उठाने पे पिरूल को, और उसके साथ साथ पिरूल के बीच में क्या है, बाखरी भी बोली पुण्य, बाखरी 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 ये, तो जो फल होता है चीड़ का ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, बाखरी। तो बाखरी भी हम लेके जाने वाले हैं क्योंकि इस पे आग बहुत ही अच्छी जलती है, और इससे हम भेलू भी बनाने वाले हैं। अगर आप पहाड़ से हैं तो आपको पता होगा भेलू क्या होता है, अगर नहीं पता तो हम बनाएंगे आज रात को या कल रात को हम भेलू बनाने वाले हैं, और जो हमारे रीति रिवाज के तहत दीपावली मनाई जाती है भेलू और झुमेलों के साथ, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसीलिए क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, और चैनल पर बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो ज़्यादा अभी बात नहीं करते हैं, थोड़ा ये पिरूल का काम है इसको पूरा निपटा देते हैं, और उसके बाद चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो गाइस जो हमारा पिरूल था आप देख सकते हैं, हमारी पूरी जो सोल्टी जिसको बोलते हैं वो पूरी भर चुकी है। तो अभी हम घर की ओर जा ही रहे थे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ दिखाते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खतरनाक वाली गुफा है, ये देखिए। और यहाँ हम अंदर अंदर जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं अभी नहीं, ओए दिवाली तो मना दे दे। ऐसी क्या चीज है जो यहाँ बच्चों को डरा रही, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? और यहाँ तो गाइस यहाँ पर एक गुफा टाइप की है, और यहाँ एक खदान भी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा रेता यहाँ से रोड़ी जो होती है यहाँ से निकाली जाती है, तो वहाँ अंदर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा डराया। और हम यहाँ से अभी घर की ओर चलते हैं क्योंकि आज दीपावली है, तो अच्छे खासे सही सलामत दीपावली मना देते हैं। तो चलो अभी घर चलते हैं, और रास्ता तो है ही नहीं। तो गाइस जो हमारा पिरूल लाने का काम था वो पूरा हो चुका है, और अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, वो आज होंगे या कल होंगे वो तो अभी बाद में पता चलेगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने पिरूल को रखा है, और अभी यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, तो अभी बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है, और टाइम की मैं बात करूँ तो 1 बजने वाली है, तो गला भी सूख रहा है, और गला सूखने के लिए हम ला के आए हैं ये है माल्टा। तो चलो माल्टा खाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की ओर, खाना भी बन ही गया होगा। और थोड़ा यहाँ पीछे दिखाइए, फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है इनके बीच में, देखिए। बस बस बस, तो लड़ाई तो होती रहेगी, अभी थोड़ा माल टकाते हैं। तो गाइस अभी शाम का समय है, और अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी लोकल दुकानें हैं स्कूल में रोड के नज़दीक, तो वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे छोटे भाई मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको शायद पटाखे लाने होंगे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा लाता नहीं हूँ। अगर मुझे लेने होते तो कल मैं मार्केट जा रखा था, तो वहाँ से भी क्या आ सकता था, लेकिन मैं लेके आया नहीं हूँ। पर फिर भी हमारे घर में मेहमान आ रखे हैं, आपने देखा हमारी छोटी भांजियाँ आ रखी हैं, तो उन्होंने थोड़ा बोला है कि वो लेके आना, क्या बोलते हैं फुलझड़ी टाइप की होती है ना, तो फुलझड़ी लेके उन्होंने बोल रखा है, तो देखते हैं फुलझड़ी मिलेगी तो लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं स्कूल की तरफ, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है, जो भी मिलेगा आपको हम जरूर बताएंगे। तो व्लॉग के साथ बने रहें और इन्जॉय कीजिए बस। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मोड़गू स्कूल में, जहाँ पर कि हमारी कुछ लोकल दुकानें हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खमोली की पूरी गैंग यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्या कह रहे लियोना? पड़ेगा, बस पड़ेगा और कुछ ना। और ये है हमारे दादाजी, दादाजी नमस्कार, ठीक ठाक ठीक ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी पटाखे लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा हम यहाँ पर बैठते हैं, और जैसे ही इनके पटाखे खरीद लेंगे ये, तो उसके बाद आपको मिलते हैं। तो सबसे अमीर आदमी हम में से रोहित जी, जिन्होंने की पूरी दुकान लगभग पूरी खरीद ली है, तो यहाँ पर अभी हम भी देखते हैं हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर रखा है। छोड़ो छोड़ो भाई, फुलझड़ी बिजन छोड़ो भाई, बतावर को है ये पैकेट कर दिया, ये छोड़ लो भाई, और क्यों होता है। तो गाइस अभी थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी रोहित जी ने पटाखे खरीद दिए हैं, कुछ अंकित भाई ने भी खरीदे हैं, कुछ यहाँ पर हिमांशु जी ने भी खरीदे हैं, तो अभी क्या क्या हमने खरीदा है वो आपको रास्ते में बताएंगे,
क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बैग में रख दिए हैं तो बता नहीं सकते। तो चलो अभी आगे चलते हैं और दूसरी दुकान में देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो अभी हम दूसरी दुकान में भी घुस चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी शॉपिंग चल रही है और यहाँ पर कुछ दूसरे गाँव के बंडी से हमारे भाई साहब हैं। आपका नाम क्या है गुरु जी? कमल सिंह नेगी जी। तो ये हमारे शायद रिश्तेदार भी है ना खमोली वालों के। आप पहचाना मैंने आपको। और ये है दुकानदार, और ये दुकानदार चाचा जी। हेलो भाई चाचा जी, धमाका चल रहा है। तो चाचा जी आप देख सकते हैं कैसे लाल टमाटर के जैसे हो रखे हैं आजकल, खूब बिक्री हो रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। और यहाँ की ओर दिखाऊं आपको तो ये है हमारे ग्राम प्रहरी। नाम क्या है गुरु जी आपका? कुलदीप सिंह नेगी जी। जो की क्या है प्रहरी, क्या बोला आपने? ग्राम प्रहरी जी है ये। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में आने के लिए। तो अभी थोड़ा यहाँ पर शॉपिंग चल रही है और ये देखिए हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी, मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, जो कि आज बहुत ही ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा मैं भी करता हूँ खरीदारी। और अच्छा रख दो जी इसको भी, एक एक या दो रख दे है? दो। चलो यार दो ही रख दो, आपने बोल दिया तो दो ही रख दो यार आज। हाँ कितना है ये? 40 रुपए का। अच्छा आप सस्ता दे रहे हैं हमको जी। वीडियो में आने की वजह से तो नहीं दे रहे? सबके लिए वही रेट, एक ही रेट है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपका इतना सस्ता हमको देने के लिए। तो थोड़ा खील बता सभी दे दो यार चा। लो भाई। ठीक है, ये हो गया आपको। तो ये हमने ले लिया है, अभी खील बता सभी थोड़ा लेते हैं। आपको तो नहीं लेना है भाई को सब कुछ? नहीं नहीं हो गया। कुछ हो गया भाई, अगर अपनी तरफ से दे रहा है तो सबको बांट दे, पटाखे भी ले ले, दिला दे सबको। अब बांटना कहाँ यार, गरीब आदमी नहीं गुरुजी, गरीब आदमी कहाँ से बांटेगा यार। तो फिर भी कितने हैं यहाँ पर? 5 कुरकुरे निकाल दो यहाँ से अपने लिए यार, निकाल दो। हाँ तो बच्चों के लिए, बच्चों तो क्या बोलना, अपने छोटे भाई हैं तो उनके लिए 5 कुरकुरे ज्यादा तो नहीं दे सकता मैं दिवाली पे, क्योंकि हम भी अभी गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ से देगा। तो अभी थोड़ा खील बतासा लेते हैं, तो चलते हैं सीधे उसके बाद घर की ओर, देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या होगा आज। तो गाइज अभी दुकान से भी हमने अलविदा ले लिया है और अभी आ चुके हैं हम कहाँ पे, कौन सा स्थान है ये देखिए, ये स्थान यहाँ पर, यहीं से हम अपने गांव के लिए जाते हैं। और मैं बोर्ड आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे गांव का बोर्ड, यहाँ पर बड़े अक्षरों में आपको लिखा है खमोली। यहाँ से बी एस रावत जी शायद रोहित के पापा हैं जिन्होंने यहाँ पर नाम लिखा है खमोली गांव का। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा गांव है। तो अगर आप यहाँ पर कभी पहुँचते हो, अगर आप आपको हमारे गांव में आना है तो यहाँ से ठीक आप देख सकते हैं सामने ये रास्ता है, तो यहाँ से आप हमारे गांव में आ सकते हैं। अला कुरकुरा फो फुकान है, धन्यवाद भी नहीं बना है। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत अच्छा। तो गाइस इसने 5 रुपए में निपटा दिया तो छोटे भाई अंकित बोल रहे हैं 5 रुपए में निपटा दिया है। तो गाइस हम कहाँ से लाए, हम नौकरी तो करते हैं नहीं, तो अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट इतना भी करता है छोटे भाइयों के लिए तो इतना भी बहुत होता है। क्यों गलत बोला हमने? गलत नहीं बोला ना। हाँ तो चलिए अभी घर की ओर चलते हैं, ये उल्लड़े ही वो नहीं कुरकुरा भैया तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है, भालू मिलता है कि तेंदुआ मिलता है। तो गाइज अभी अंधेरा हो चुका है लेकिन अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम गांव से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर हैं और अभी खेतों में हैं और हम सिर्फ वहां पर अभी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर दिन में हमने क्या रखा था, पिरूल, जिसको हम पिल्टू बोलते हैं। तो गाइज आज रात को हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज छोटी दिवाली है और बड़ी दिवाली को हम बड़ा धमाका करने के मूड में हैं, इसीलिए आज हमने बोला कि आज छोटी दिवाली को रहने देते हैं, कल बड़ा वाला धमाका करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दौड़ तो लगनी ना, बिल्कुल ना, खाली तो नहीं बनो तो अभी ये बोल रहे हैं डर नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम नीचे जा रहे थे तब हमको तेंदुआ नजर आया था दूर से, पर कोई बात नहीं, तेंदुआ तेंदुआ तो हमारे गांव में भटकते रहते हैं, पर सामने हम वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने जाएंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि अगर ऐसे सामने जाके वीडियो बनाएंगे तो हम वीडियो बनाने लायक हम ही नहीं बचेंगे, तो वीडियो कौन बनाएगा। तो ऐसे रिस्क भी हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क चलते हैं। और यहाँ देखिए कुछ भी फोकस नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सारी जगह नज़र आ रहा है और गाँव के अभी इतने दूर, अभी हमें थोड़ा थोड़ा आपको उजाले नज़र आ रहे होंगे गाँव के, तो अभी गांव से इतने दूर हैं। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बाद सीधे मिलते हैं कहाँ पे, घर पे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पीछे लगे हैं कि दिया जलाते हैं, थोड़ा हमें फुलझड़ी दे दो, तो हम तो लाए हैं नहीं, कहाँ से मैं इनको दूंगा है, कहाँ से दूंगा रे मैं तुमको, अरे कहाँ से दूंगा रे। तो मैं तो कल दिए लेके आया था, आज तो दिए क्या लाने थे मैंने, कल कम से कम 30-40 दिए मैं लेके आया हूँ। तो ये देखिए 20 मैंने उनको दे दिए हैं और 30 मैंने यहाँ पर रखे हैं, 50 दिए मैं लेके आया था। तो आज ज़्यादा नहीं जलाएंगे, थोड़ा कितने यहाँ पे सिर्फ 8-10 दिए ले जाओ वहाँ पे और जलाओ उनको, मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद और फुलझड़ी बोल लेते तुम,
तो फुलझड़ी मैं देखता हूँ मेरे बैग में कहीं जादू से निकलती है कि नहीं निकलती। इस फोन को पकड़ है, आज जादू करता हूँ मैं, अगर निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो आप कहाँ से देंगे हम तुमको। ओम नमः शिवाय, ओम हरि गंगाय नमो, ओम स्वाहा, ओम जादुआय नमो नमो, ओम जादुआय नमो ठम। ये क्या निकला रे यहाँ से, ये पैस की और तो बम है। तुम्हारे लिए मैं ये लेके आया हूँ फुलझड़ी, तुम इसको जलाओ ठीक है। मुर्गा छाप, ए खतली मामा मुर्गा छाप। तो ये देखो फुलझड़ी के चक्करों में फोन ही नीचे डाल दिया था इसने, गधी कहीं की है। तो जाओ फुलझड़ी, फुलझड़ी जलाओ और ये दिए यहाँ पर हैं, सबको जलाओ, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ ठीक है। तो हमारे दिए जल चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी छोटी भांजी मानसी यहाँ पर दिए जला के यहाँ पर रख रही है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे घर को मैंने दियों से भर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो भांजे भांजियाँ हैं वो भी मस्त मार के यहाँ पर अपनी दिवाली मनाते हुए, ये देखिए। तो गाइज दिए हमने जला दिए हैं, तो थोड़ा पटाखे भी फोड़ देते हैं, दो चार पटाखे मैं लेके आया हूँ और आज छोटी दिवाली है इसलिए मैं कम पटाखे लेके आया हूँ। अगले दिन बहुत ही ज्यादा पटाखे हम फोड़ने वाले हैं, कल तो हम झुमेलो खेलने वाले हैं, भेलो खेलने वाले हैं, तो बहुत ही चीजें हम कल करने वाले हैं, लेकिन अभी पटाखे फोड़ते हैं। तो गाइज हम पटाखे फोड़ने वाले हैं अपने पहाड़ी जुगाड़ मुछवे के साथ, हम माचिस से नहीं जलाते हैं बल्कि जलाते हैं हम किससे, मुछवे से। तो चलो फोड़ते हैं और आनंद लेते हैं। तो गाइस पटाखों से ज्यादा आवाज की जो खुशी मिलती है वो मिलती है इन बच्चों के हल्ले से, तो अगर बच्चे नहीं होंगे दिवाली में तो मजा ही नहीं रहता है। और आज तो छोटी दिवाली थी इसीलिए हम ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपको मिलते हैं बड़ी दिवाली के साथ बड़े धमाके के साथ। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।